डार्लिंग, खूबसूरत लड़कियों में नजाकत और अच्छी लगती है, गुस्सा अच्छा नहीं लगता। तुम कौन हो? बेबी डॉल। हम खूबसूरत लड़कियों की नंगी तस्वीरें खींचते हैं, मतलब ब्लू फिल्म बनाते हैं। कपड़े उतारो और बिस्तर पर लेट जाओ। नहीं, अगर तुम प्यार से मान जाओ तो ठीक है। हम मुर्दों पर कफन डालने में जितना टाइम लगाते हैं, उससे भी कम टाइम में इज्जतदारों के जिस्म से कपड़े उतारते हैं, समझे? भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। स्टार्ट। मुझे जाने दीजिए, भगवान के लिए मुझे जाने दीजिए। नहीं, नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। कुछ मजा नहीं आ रहा है, पहले से कपड़े अपने फाड़। कमीने, कुत्ते, लगा दे इंजेक्शन, बेहोश हो जाएगी हरामजादी। ये ले। जबरदस्ती मुझे स्टेज से उठा कर ले गए और लोग ब्लू फिल्म बनाते हैं। मेरे साथ भी बदतमीजी करने की कोशिश की, मैं किसी तरह वहां से भाग निकली। प्लीज चलिए मेरे साथ, वो लोग सामने वाले स्टेडियम में। चलिए। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, यही है वो जगह जहां वो बदमाश मुझे लेकर आया था, उसी दरवाजे से। और यहाँ गुंडे खड़े थे और वहां कैमरा मैन था, कालीन बिछाया गया था, मगर अब तो यहाँ कोई नहीं है। पता नहीं कहाँ चले गए सब। मैं सच कह रही हूँ इंस्पेक्टर साहब, यहाँ कैमरा था, गुंडे थे। आप मेरी बात का यकीन कीजिए। मैं उड़ते हुए कबूतरों के पर गिन लेता हूँ। सुनिए तो, आप ऐसे मत चले जाइए। देखिए, आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने आपसे जो कुछ भी कहा वो सच है, मैं आपसे झूठ नहीं बोल। अपनी रातें सड़कों पर ही काटती हो या तुम्हारा कोई घर भी है? हाँ सर, मेरा अपना घर है, आप मुझे मेरे घर तक छोड़ देंगे? थैंक यू। यही मेरा घर है, आइए ना मेरे घर में, मैं चाय बहुत अच्छा बनाती हूँ, आइए। रात के सन्नाटे में अकेले मिलना, बदन पर इस तरह के तंग कपड़े, झूठे ड्रामे के सहारे किसी को अपने घर तक ले आना और रात के 2 बजे घर के अंदर चलने की दावत देना, बोलो अपने आप को कितने में बेचती हो? जी? तुम जैसी लड़कियों के साथ तो बहुत बुरा सलूक करना चाहिए, मगर मैं उनमें से हूं जो बाजार की गंदी नालियों की तरफ देखना भी पसंद नहीं करता। ए साहब, ए रुक जाओ, एहसान जताकर मत जा, सुन ले मेरी बात। तुमको देखकर एक चीज तो समझ में आ गई कि हर वो चीज जो चमकती है वो सोना नहीं होती,
अब मुझे देखकर एक चीज तुम भी समझ लो कि हर वो चीज जो काली होती है वो कीचड़ नहीं होती। अपाहिज बच्चे हैं जिनके पास मेरे सिवा दुनिया में कोई नहीं है। इन्हीं के लिए स्टेज शोज करती हूं मैं। अब रहे मेरे कपड़ों की बात, मैं अपने टांगों का मांस इसलिए दिखाती हूं ताकि इन सैकड़ों टांगों पर मांस नजर आता रहे। बोलो अब कैसे लगती हूं मैं बाजारू औरत? तो नफरत करो मुझसे, गंदी नाली तो थूको मुझ पर, समाज का कैंसर तो फांसी लटका दो मुझे। तुमने तो किसी न किसी औरत का दूध जरूर पिया होगा, तुम्हें उसी दूध की कसम, मैं जैसी लगती हूं वैसी ही सजा दो मुझे। पवित्र गीता को पहले इसी तरह माथे से लगाता हूं फिर होठों से इज्जत देता हूं। लेकिन मैं तुम में भी एक महाभारत है, तुम्हारे हर शब्द में क्रांति है। तुम भी पवित्र गीता की तरह हो, इसीलिए तुम्हारे साथ ये सलूक करना पड़ा। नंदो, इतनी रात को कहां से आ रहे हो? एक काम था, मैं काम कर रहा था भैया, देशभक्ति पर एक फिल्म बन रही है, मैं उसी की शूटिंग कर रहा था। ये तो अच्छी बात, फिर इतना चोरी चोरी क्यों जा रहा था? वो बहुत रात हो गई थी ना भैया, इसलिए। देख मेरी दो बातें याद रखना, एक तो ये के काम के लिए कभी दिन रात मत देखना, और दूसरी बात कि चोरों के कदमों की आवाज मैं अपने कानों से सुनता हूं, मगर अपने भाई के कदमों की आहट मैं अपने दिल से महसूस करता हूं। इसलिए एक बार मुझसे चोर बच सकता है, मगर मेरा भाई नहीं। चल जा, जाके सो जा। Oh, my God.
जल रहा है, क्या करूं? अरे नंदू, ये क्या हो गया तुझे? कुछ नहीं भैया, थोड़ा सा। थोड़ा सा? ये थोड़ा लग रहा तुझे? चल पहले पुलिस स्टेशन चलते हैं, उसके बाद घर जाएंगे। पुलिस स्टेशन? अरे नहीं भैया, आप ही जाओ ना। अरे तू तो एक आम आदमी की तरह पुलिस स्टेशन के नाम से घबराता है। तेरा भाई इंस्पेक्टर है, नाउ कम ऑन। अच्छा हुआ अपनी जीप से वो ऑटो रिक्शा वाला टकरा गया। फायदा अपना हुआ ना, उस रिक्शा वाले का पूरा रिक्शा डैमेज हो गया, अपनी जीप की तो सिर्फ कांच ही निकली है। अपना माल बनाते जाओ, कोई देखने वाला नहीं है। सब साले ऑफिसर यहाँ माल कमाने के चक्कर में है, अपन क्यों नहीं कमाए? कोई ना देवे उसको दो डालने का। बेल्ट्स। धुलाई उन्हीं कपड़ों की होती है जिन पर मैं लगा हो, समझे? साहब गलती होगी साहब, मुझे माफ कर दो साहब, गलती होगी, माफ कर दो। गलती नहीं, जुर्म किया है तुम लोगों ने, और जुर्म के लिए माफी नहीं दी जाती, उसके लिए सजा दी जाती है। नंदू कहाँ चला गया? कॉलेज चला गया हुआ। ये 11 बज गया, अभी तक सब इंस्पेक्टर वर्धन क्यों नहीं आए? सर वो हमेशा लेट ही आते हैं। एक्सक्यूज मी सर, वो क्या है कि मैं किसी दूसरे मूड में था, इसलिए मैंने वो सिगरेट काम फेंक। तुमने अपनी घड़ी तो खरीद के पहनी होगी। जी? इसकी कीमत जानते हो? जी। तुम घड़ी की कीमत तो जानते हो, मगर वक्त की कीमत नहीं जानते। ओह, वो क्या है सर, कल नींद नहीं आई और कुछ सुस्ती से भी आ रही थी, इसलिए दारू कुछ ज्यादा पी गया। मिस्टर आदर्शवर्धन, तुम्हें इस बात का कोई हक नहीं पहुंचता कि पुलिस की फर्ज की गंगा जो कि कानून की गंगोत्री से निकलती है, उसे तुम अपनी गंदी आदतों के गटर में डाल दो। सर मैं भी एक पुलिस ऑफिसर हूं, आप कमरे के अंदर भी मुझे यह भाषण दे सकते थे। यह भाषण नहीं, यह मेरी वार्निंग है मिस्टर आदर्शवर्धन, और मेरी वार्निंग तुम्हारे सिगरेट केस के ऊपर लिखी हुई वार्निंग की तरह नहीं, जिसे तुम भूलकर सिगरेट के कष्ट लगाया करते हो। मेरी वार्निंग कानून की किताब के उस फुल स्टॉप की तरह है, जिसके बाद कुछ भी करने या सोचने की जगह नहीं बचती। जाओ। पूजा, तुमने गुंडों को पहचान लिया है, तुम्हें अपने रास्ते से हटाने के लिए वो तुम पर जानलेवा हमला भी कर सकते हैं, इसलिए अब तुम्हारे अपने घर में रहना ठीक नहीं। तुम्हें एक महफूज जगह पर रखा जाएगा जिसका किसी को पता नहीं चलेगा, वहां पर पुलिस का पहरा भी रहेगा। तो आप मुझे छुपा देना चाहते हैं? हाँ, हर कीमती चीज छुपा के रखी जाती है। अब रहे बच्चे, तो मेरे पिताजी के गुरुजी हैं जिनका आश्रम चलता है, मैं गुरुजी से विनती करूंगा कि बच्चों को अपने शरण में ले लें, ताकि तुम्हारी आत्मा पे कोई बोझ न रहे। मेरे लिए इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत है? जरूरत है पूजा। क्यों? मैं चाहूंगा कि इस क्यों का जवाब तुम खुद ही तलाश करो। वैसे भी इस दुनिया में हर इंसान को किसी न किसी की जरूरत होती है।